नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और अभी मेरा ट्रियो को मैंने चार्ज में लगा दिया है, लेकिन ये चार्ज नहीं हो रहा है। और इसका आप पहले मैं इसको दिखा देता हूँ, इसका चार्जिंग का तीनों लाइट जल रहा है और मैं आपको चार्जर के इसका पीछे दिखा दे रहा हूँ। अंदर में आप देख रहे हैं ये लीब लाभ कर रहा है, बिलिंग कर रहा है, लेकिन मेरा गाड़ी अभी चार्ज नहीं हो रहा है। और इसका मैं चार्जर का मैं दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए मेरा चार्जर में इसका तीनों इंडिकेटर चल रहा है। ये जब रेड लाइट चलता है तब हमारा गाड़ी फुल चार्ज हो जाता है, तब ये चालू हो जाता है। और एक तो हमेशा जलता ही रहता है, पावर ऑन का है, और ये बिलिंग करता ही रहता है। अब ये क्यों चार्ज नहीं हो रहा है, आप पहले मेरा डिस्प्ले देख लीजिए। मेरे डिस्प्ले में एक नया संकेत आ गया है, देख लीजिए। ये तो आपका सर्विस इंडिकेटर है और उसके ऊपर में एक संकेत आ गया है, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये कनेक्टर का है दोस्तों। ये इस नाम से आया है क्योंकि मेरा जो चार्जर का जो मैंने अभी कनेक्ट किया है, यानी कि ये हेल्थ कनेक्टर है, यानी कि जब भी ये इंडिकेटर जलेगा इसका मतलब है कि या तो आपका बैटरी का टेम्परेचर ज़्यादा है, या तो आपने अभी मैंने जो लगाया है मैंने चार्जर का कनेक्टर, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको चार्जर को कनेक्टर को मैंने अपने गाड़ी से केबल से जो मैंने लगाया है, देख लीजिए यहाँ से, या तो एक केबल अभी ठीक से नहीं बैठा है तभी वो इंडिकेटर शो करता है। तो मैं इसको निकाल के मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि मेरा, यानी कि इसको फिर से निकाल के मैं लगाता हूँ अपने गाड़ी में, फिर ये चार्जिंग होता है कि नहीं होता है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैंने इसको बंद कर दिया और उसमें आपको डिस्प्ले में दिखा देता हूँ, अभी वो गायब हो गया है। अब मैं इसको फिर से इसको निकाल के मैं चार्जिंग में लगा के देखता हूँ ये फिर से चार्ज होता है या नहीं होता है। देख लीजिए मैंने अपना चार्जर निकाल लिया है अपने गाड़ी से, इसको अभी मैं रखा हूँ और मैं आपको डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में अभी वो सेटिंग देख लीजिए, अभी एक भी सेटिंग नहीं है क्योंकि मेरा चार्जर को मैंने अभी निकाल लिया है। और इसको मैं फिर से लगा कर देखता हूँ और अभी वो कनेक्टर भी गायब हो गया, यानी कि बैटरी का हेल्थ का जो कनेक्टर आता है ऊपर में वो भी गायब हो गया है। तो मैं इसको अभी लगा के देखता हूँ कि ये फिर से चालू होता है या नहीं होता है। देख लीजिए दोस्तों, मैंने इसको फिर से निकाला और मैंने इसको कनेक्ट किया तो ये फिर से चार्जिंग में शुरू हो गया, आप देख लीजिए। और डिस्प्ले में अपना बैटरी का संकेत भी आ रहा है और वो जो एक सेटिंग का निशान तो आता ही है जब भी आप चार्जिंग को कनेक्ट करेंगे, तो अभी वो गायब हो गया है। जब आप बैटरी को, चार्जर को आप अपने गाड़ी से कनेक्ट करेंगे तो सेटिंग का निशान आएगा, और अगर वो सही से नहीं लगा रहेगा तो उसके ऊपर में आपको एक और जो कनेक्टर आ जाएगा, जो हेल्थ कनेक्टर है, यानी कि आपका वायर, यानी कि ठीक से आपका जो चार्जर में जो केबल है वो नहीं लगा है, उसी का वो संकेत आ जाएगा। और अभी मेरा गाड़ी फिर से चार्जिंग होने लग गया है, यानी कि चार्जिंग हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका लाइट भी सही से जल रहा है, देख लीजिए इसका लाइट अभी बिलिंग कर रहा है, यानी कि हमारा गाड़ी सही से चार्ज हो रहा है। और उस समय इस नाम से चार्ज नहीं हो रहा था क्योंकि अपना बैक जो चार्जर का कनेक्टर है अपने गाड़ी से सही से फिट नहीं हुआ था, इसी नाम से चार्जिंग नहीं हो रहा था। और ये चार्जिंग में अब ये सही से चार्ज हो रहा है, देख लीजिए हमारा बैटरी भी बिलिंग करना शुरू हो गया है। अगर आपके पास भी टेरो है और अगर इस प्रकार से अगर समस्या आता है, अगर वो कनेक्टर हेल्थ का अगर निशान आ जाता है, यानी कि वो सिंबल आ जाता है, तो आप अपने गाड़ी को जो चार्जिंग का केबल जो आप अपने गाड़ी में लगाए हैं उसको निकालिए, कुछ सेकंड रुकिए 5-10 मिनट, और उसके बाद आप फिर से उसको लगाइए, या तो आपका बैटरी गर्म रहेगा तब वो सिब्बल आएगा, या तो आपका चार्जर सही से अपने गाड़ी में कनेक्ट नहीं रहेगा तब वो सिब्बल आएगा। तो आप देख लीजिए दोस्तों, आप अगर इस प्रकार से अगर सिब्बल आता है तो आप अपने बैटरी को कनेक्टर को निकालिए, उसके बाद फिर से इसको कनेक्ट कीजिए, फिर आपका गाड़ी फिर से चार्जिंग में, यानी कि चार्ज होना चालू हो जाएगा, जैसे कि अभी मेरा गाड़ी चार्ज हो रहा है, आप देख लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।